हैं जक्स्टा ग्लोमेरुलस अपरेटस, ये हो गया आपका जीजे सेल। तो इसमें आप जस्टा ग्लोमेरुलस अपरेटस, तो इसमें जक्स्टा ग्लोमेरुलस अपरेटस के दिए हुए हैं। इसमें क्या क्या पार्ट आ गया, इसमें मैकुला डेंसा आएगा आपका जक्स्टा ग्लोमेरुलस सेल, इसको हम जीजे सेल भी बोलते हैं, इनको हम जीजे सेल भी बोलते हैं, और एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलस मैसेंजियल सेल। तो ये तीन सेल होती हैं आपकी जक्स्टा ग्लोमेरुलस अपरेटस में। तो ये सेल आपकी जक्स्टा ग्लोमेरुलस अपरेटस में तीन सेल हो गई। अब आगे देखते हैं जो आरबीसी और लार्ज प्रोटीन होते हैं जैसे कि सीरम एल्ब्यूमिन। तो वही अभी बात हो गई कि जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल होते हैं इसमें कि प्रोटीन में आपका एल्ब्यूमिन होता है वो इंटर नहीं करता है, ग्लोमेरुलस से पास नहीं होता है अंडर सर्कमस्टेंस, क्योंकि वो मॉलिक्यूल बड़े होते हैं। हाउएवर इन सम इंजरी, मान लीजिए इंजरी, दे मे बी एबल टू पास थ्रू एंड कैन कॉज ब्लड एंड प्रोटीन कंटेंट टू इंटर द यूरिन। तो जब कभी यह इंजरी हो जाती है तो वहां पे क्या होता है, विच इज अ साइन ऑफ प्रॉब्लम इन द किडनी। मान लीजिए कि कोई इंजरी हो गई या प्रोटीन कंटेंट आपका इंटर कर गया, तो वो क्या होता है यूरिन में, तो वो क्या करता है किडनी में प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए प्रोटीन इंटर नहीं होने देते हैं। क्योंकि मान लीजिए इंजरी हो जाती है तो क्या हो जाएगा कि आपका वहां पे जब पास हो, मान लीजिए पास करने वहां पे स्लिट पोर प्रोटीन को पास करने देते हैं, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, ब्लड की वजह से क्या हो जाएगा, प्रोटीन कंटेंट जो यूरिन में इंटर करेगा उसकी वजह से किडनी में बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकती है, इसीलिए वो प्रोटीन इंटर नहीं करने देता है। तो बेसिकली ये आपके ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि कौन कौन से पार्ट इसमें आते हैं। तो डायग्राम आप देख सकते हैं, इसमें आपके मैकुला डेंसा हो गया, आपका ग्लोमेरुलस अपरेटस में मैकुला डेंसा और एक्स्ट्रा मेसेंजियल, ये आपका एक्स्ट्रा मेसेंजियल और जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलस जो सेल होती है जीजे सेल इसी में होती है, ये इन्हीं ग्रेनुलर सेल, ये आपकी जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलस सेल। तो मैकुलर डेंसा जो होता है आपका देख रहे हैं यहाँ पे, आपका जो यहाँ पे वो है, यहाँ पे ये इफरेंट आर्टियोल है, ये आपकी अफरेंट आर्टियोल है, तो यही पे ये जो डीसीटी होता है यही इसके क्लोज होता है, तो मैकुलर डेंसा यही पे होती है। तो ये डीसीटी से क्या होता है, क्लोज होता है, और डीसी का जो आपका ये डिसेंडिंग हो गया, ये असेंडिंग वाला हो गया, ये आपका डिसेंडिंग है, ये आपका असेंडिंग है। तो जो असेंडिंग वाला होता है ये यही पे जाके आपका लूप ऑफ हेनले का जो असेंडिंग वाला पार्ट होता है यहाँ पे आगे, यहाँ पे मैकुलर डेंसा सेल होती है, ये क्लोज होती है यहाँ पे आपका अफरेंट आर्टियोल से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, मान लीजिए कि ये आपका यहाँ पे ऐसे आ रहा है असेंडिंग, तो ये आपकी यहाँ से मान लीजिए कि यहाँ पे डीसीटी से बिल्कुल पास होती है, तो ये रेगुलेट करती है फिल्ट्रेशन और बीपी को। जस्टा ये जो आप पढ़ भी चुके हैं कि मैकुलर डेंसा यही स्टिमुलेट होता है, तो ये मैसेज जाके ये क्या करता है, सोडियम को रीअब्जॉर्ब कर लेता है, ये स्टिमुलेट होता है, और जब सोडियम बहुत ज्यादा हो जाता है क्वांटिटी में, तो यहाँ पे जो जीजे सेल होती है आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो जीजे सेल है इन्हीं को हम ग्रेनुलर सेल बोलते हैं। तो यहाँ पे तीन टाइप की सेल होती है, मैकुलर डेंसा सेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरी होती है एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल मैसेंजियल सेल जो मैसेज भेजती है, मैकुलर डेंसा जो होती है वो जब स्टिमुलेट होती है तो मैसेज देती है मैसेंजर सेल को जब सोडियम क्वांटिटी ज्यादा हो जाती है, आयन की क्वांटिटी, और ये होती है आपकी ग्रेनुलर सेल जो होती है वो आपकी होती है जस्टा ग्लोमेरुलर सेल, यानी ये जीजे सेल, ये आपकी जीजे सेल है। तो जीजे सेल जो होती है वो इनलार्ज होती है, आप देख रहे हैं ये इनलार्ज है, ये आपकी अफरेंट आर्टियोल में होती है, इनलार्ज स्मूथ मसल्स होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्मूथ मसल्स और लार्ज ग्रेनुलर कंटेन रेनिन, यहाँ पे क्या होता है जीजे सेल ही आप जानते हैं कि रेनिन सिक्रीट करती है जब यहाँ से मैसेज आता है। तो बेसिकली यहाँ पे जो ग्रेनुलर सेल है
ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे रिन्यू होता है, और ये जब मैसेज मैक्युलर डेंसिटी स्टिमुलेट होगी तो ये जो एक्सट्रा ग्लोमेरुलस मेसेंजियल सेल है ये मैसेज भेजेगी आपकी जीजे सेल को, तो ये क्या करती है, रेनिंग यहाँ पे सिक्रेट करती है, और फर्दर आप जानते हैं ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए आपका जीजे सेल रेनिंग सिक्रेट करता है, सेंस ब्लड प्रेशर, और इसको हम बैरो रिसेप्टर भी बोलते हैं। अब मैकुलर डेंसा दूसरी सेल हो गई मैकुलर डेंसा, तो ये लंबी होती है मैकुलर डेंसा, आप देख सकते हैं ये सिलेंडर स्ट्रक्चर होता है, और क्लोजली पैक सेल ऑफ असेंडिंग लिंब, ये क्या होता है जो यहाँ पे असेंडिंग लिंब आ रहा है यहाँ पे, तो उससे ये क्लोजली पैक्ड होती है। तो ये आपका यहाँ से ये पीसीटी हो गया, ये आपका पीसीटी है, तो ये मान लीजिए यहाँ पे पीसीटी ऐसे करके, और यहाँ पे ये डिसेंडिंग हो जाएगा, और फिर जाके ये आपका असेंडिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, मैकुलर टेंसा आपकी जो असेंडिंग लिंब होगा लूप ऑफ हेनले का, उसके बहुत ही पास होंगी, वहीं पे ये पैक्ड सेल होती है, कीमो रिसेप्टर सेंस एनएसीएल इन। तो यहाँ पे जो क्या होता है कि जो सोडियम आयन कंसेंट्रेशन जो होता है बहुत ज्यादा हो जाता है, तो ये स्टिमुलेट होने लगती है, यानी वो बहुत ही सेंसिटिव होती है आपकी सोडियम आयन कंसेंट्रेशन जब ज्यादा हो जाता है, तो स्टिमुलेट होती है, ये जाके मैसेज देती है मैसेज देती है रेनिन को, और रेनिन सॉरी जीजे सेल को, जीजे सेल आपका रेनिन आपका सिक्रेट कर देता है एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलस मैसेंजियल सेल, तो ये जाके ये आपकी मैसेज को ट्रांसफर करता है, मी पास सिग्नल सिग्नल को पास करता है बिटवीन मैकुलर डेंसा एंड ग्रैनुलर सेल, तो आप ये मैकुलर डेंसा और ग्रैनुलर सेल के बीच में जो मैसेज ट्रांसफर करता है, ये देखिए, तो ये बीच में ये होती है, ये मैसेज ट्रांसफर करने का काम आपका करता है ये मैसेंजियल सेल एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलस सेल्स, तो ये आपका मैसेज ट्रांसफर करती है, तो ये आपका जो जीजे है जस्टा ग्लोमेरुलस अपैरेटस, इसमें ये तीन सेल होती है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लीजिए, एक होगी आपकी जीजे सेल, वेरी सिंपल है, जीजे सेल जो आपका रेनिन सिक्रीट करती है, मैकुला डेंसा जो आप बहुत ही सेंसिटिव होती है जब सोडियम आयन कंसेंट्रेशन ज्यादा हो जाता है तो आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाता है उसकी वजह से, उसकी सारी प्रोसेस, तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या होता है, ये मैसेज भेजती है मैसेंजर सेल को, मैसेंजर सेल मैसेज देता है आपकी जीजे सेल को, जीजे सेल जाके रेनिन सिक्रेट करती है, और फिर प्रोसेस फर्दर ब्लड प्रेशर नॉर्मल होने के लिए फर्दर स्टार्ट हो जाता है। तो बाउमिन कैप्सूल में जो पोडोसाइट होती हैं उनके बारे में बात करते हैं, पोडोसाइट सेल जो बाउमिन कैप्सूल में होती है किडनी के, वो क्या होती है, रैप अराउंड कैपिलरी ऑफ द ग्लोमेरुलस, जो ग्लोमेरुलस की कैपिलरीज होती हैं उनके चारों ओर होती हैं। पोडोसाइट सेल मेकअप एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ द बाउमिन कैप्सूल, ये एपिथेलियल लाइनिंग होती है बाउमिन कैप्सूल की, और थर्ड लेयर टू फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड टेक प्लेस, यहाँ पे क्या होता है जो ब्लड आ रहा है आपका ग्लोमेरुलस से जाता है आपका बाउमिन कैप्सूल्स में, तो बाउमिन कैप्सूल्स में ये लेयर होती है, लेयर ना हो तो ब्लड का फिल्टर कैसे होगा, तो पोडोसाइट में स्लिट पोर पाए जाते हैं, तो ऑल्दो वेरियस विसरा हैज एपिथेलियल लेयर नेम विसरल एपिथेलियल सेल्स यूजली रिफर्ड स्पेसिफिकली टू पोडोसाइट, यहाँ पे स्पेशलाइज एपिथेलियल सेल्स होती हैं इन द विसरल लेयर ऑफ द कैप्सूल, तो आप कह सकते हैं कि जो आपकी जो बाउमिन कैप्सूल की जो इनर लेयर होती है विसरल लेयर फॉर्म बाय पोडोसाइट, तो विसरल लेयर आपकी पोडोसाइट से बनी होती है, विसरल लेयर आपकी पोडोसाइट की बनी होती है, और ये आपकी इनर लेयर होती है, और आउटर लेयर आपकी जो होती है वो होती है सिंपल स्क्वामस एपिथीलियम लेयर होती है जो बाहर वाली लेयर होती है, और ये आपकी इनर लेयर होती है, इसमें स्लिट पोर होते हैं, पोडोसाइट हाईली स्पेशलाइज सेल होती है, और ये कैपलीज के चारों ओर होती है, बाउमिन कैप्सूल के पास होती है ये, और व्हेन इट कम्स ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन पोडोसाइट का मेन रोल क्या होता है, ये क्या करती है, जो प्रोटीन होती है उसको रोकती है, वही मैंने बताया कि प्रोटीन ना जाने पाए इसीलिए इसमें स्लिट पोर होते हैं,
कि प्रोटीन तो लार्ज मॉलिक्यूल होता है तो उसमें इंटर नहीं कर पाता है फ्रॉम इंटरनिंग द यूरिनरी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बाय प्रोवाइडिंग बैरियर, एक बैरियर का काम करती है कंप्राइजिंग फिल्ट्रेशन स्लिट। यहाँ पे क्या होते हैं, स्लिट पोर पाए जाते हैं, तो स्लिट पोर होते हैं, तो यहाँ पे जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल होते हैं यहाँ पे ऐसे करके, तो जो प्रोटीन होता है वो यहाँ पे नहीं जा पाता है वहाँ, ये यहाँ से बैरियर का काम करती है। और यहाँ पे विच इन एग्रीगेट रिप्रेजेंट डायनेमिक नेटवर्क ऑफ सेलुलर एक्सटेंशन। तो मेनली क्या बैरियर का काम करती है, ये आपके लार्ज मॉलिक्यूल को जाने एंट्री करने से मना कर देती है, उनको नहीं जाने देती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आपकी डीसीटी का पार्ट है, तो डीसीटी से ही इनक्लोज होती है ये ग्रेनुलर सेल और आपकी ये तीन सेल हो गई आपकी मैसेंजियल सेल, और ये हो गई आपकी जीजी सेल। तो मैकुलर डेंसा स्टिमुलेट होंगी तो ये यहाँ पे मैसेज दें, ये यहाँ पे स्टिमुलेट होंगी तो ये मैसेंजियल सेल को स्टिमुलेट कर देंगी और ये मैसेज ट्रांसफर कर देंगी आपकी जीजे सेल को, और जीजे सेल के देने से क्लिक कर देगा, फर्दर आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा बीपी को मेंटेन करने के लिए। ये बाउमेन कैप्सूल की लेयर हो गई आपकी, पोडोसाइट जो होती है यहाँ पे पेडिसल्स होती है, देख लीजिए यहाँ पे ये तो पोडोसाइट पेडिसल्स से बनी होती है, और ये विसरल लेयर फॉर्म विसरल लेयर जो होती है इनर वाली लेयर वो आपकी पोडोसाइट से बनी होती है, यहाँ पे स्लिट पोर होते हैं ये देखिए। और ये आपकी पेराइटल लेयर हो गई, ये आपकी आउटर लेयर है, पेराइटल आउटर लेयर जो होती है वो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम की बनी होती है, तो ये आपकी सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम की बनी हो गई, और ये आपका बाउमेन्स स्पेस हो गया, और यहाँ पे ये ग्लोमरस कैपिलरीज हो गई। तो ये आपका पूरा डायग्राम हो गया ग्लोमरस और बाउमेन कैप्सूल, और ग्लोमरस बाउमेन कैप्सूल दोनों को कलेक्टिवली हम बोलते हैं रीनल कार्प सेल बोलते हैं, कलेक्टिवली हम इनको रीनल कार्प सेल बोलते हैं।